हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर जीके वर्चुअल क्लास। दिस इज़ योर लेसन 32, साइंटिफिक टर्म्स। लेट्स रीड इट। फाइंड द साइंटिफिक टर्म्स बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन क्लूज इन द वर्ड ग्रिड एंड सर्कल देम। चूज योर आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। सो चिल्ड्रन, this is your help box. You have to choose correct answers from here. Number 1, the bodies of airplanes are made of this lightweight silvery white metal. Hawai jahaj ki body is halke vajan wale silver safed metal se bani hoti hai. To right answer hai iska aluminium. Jo aluminium hai वो लाइट वेट होता है, लाइट वेट एंड सिल्वरी वाइट मेटल। इनफैक्ट एल्यूमिनियम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मटेरियल्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरप्लेन्स। सो द राइट आंसर इज एल्यूमिनियम। नंबर 2, इट इज द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। दिस कैन टेल अस हाउ क्लोजली द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर पैक्ड। द राइट आंसर इज डेंसिटी। यह किसी पदार्थ की इकाई आयतन का द्रव्यमान है जो किसी भी तरह से किसी पदार्थ के अणुओं को पैक कर सकता है। तो इसका आंसर है डेंसिटी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। नंबर 3, दिस इज अ ग्रीन पिगमेंट विद द हेल्प ऑफ विच प्लांट्स मेक फूड। द राइट आंसर इज क्लोरोफिल। जो हरा रंग होता है पौधों में, उसकी सहायता से पौधे भोजन बनाते हैं, वो क्लोरोफिल है। सो लीव्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। नंबर 4, साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड अबाउट 12 to 15 billion ईयर्स एगो आफ्टर अ जाइंट एक्सप्लोजन इन स्पेस। नेम द थ्योरी। दैट थ्योरी इज बिग बैंग थ्योरी। जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि अंतरिक्ष में विशाल विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का गठन लगभग 12 से 15 अरब साल पहले हुआ था। तो उस थ्योरी का जो नाम है वो है बिग बैंग थ्योरी। नंबर 5, दिस इज द प्रोसेस बाय विच सीड्स स्प्राउट लीव्स एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। द राइट आंसर इज जर्मिनेशन। यह वह प्रक्रिया है जिससे बीज अंकुरित होकर नए पौधों में विकसित होते हैं। तो इसका आंसर है जर्मिनेशन। नंबर 6, इट इज अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद वन अनदर एंड स्लोस और स्टॉप्स मूवमेंट बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट। द राइट आंसर इज फ्रिक्शन। यह एक बल है जो दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है, जो एक दूसरे के संपर्क में होते हैं और संपर्क में दो सतहों के बीच धीमी या बंद हो जाते हैं। सो फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट रेसिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस। नंबर 7, इट इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। द राइट आंसर इज ग्रेविटी। यह वह बल है जो किसी पिंड को पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करता है। सो द राइट आंसर इज ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अ प्लैनेट और अदर बॉडी ड्रॉज ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इट्स सेंटर। नंबर 8, थ्रू दिस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एन ऑर्गेनिजम्स एडजस्ट इटसेल्फ विद इट्स एनवायरनमेंट। द राइट आंसर इज
एडेप्टेशंस। इस भौतिक विशेषताओं के माध्यम से एक जीव अपने पर्यावरण के साथ खुद को समायोजित करता है। इट मीन्स दिस मीन्स दैट द वे दे लुक, द वे दे बिहेव, हाउ दे आर बिल्ट और देयर वे ऑफ लाइफ मेक्स देम सुटेड टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन देयर हैबिटेट्स। सो द राइट आंसर इज एडेप्टेशंस। Hope you understood. Thanks for watching this video. Have a nice day.